हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेमा जैन कुक बुक चैनल में। आज सबको पता ही चल गया है कि जैन हम लोग चटनी बनाने जा रहे हैं टमाटर की, जो साउथ इंडियन स्पेशल है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, पहले चने की दाल लेनी है, उसे साफ करके ही मैंने ली है। और ये यहाँ पे मैंने उड़द की दाल दी है, ली है। ये मैंने दोनों ही दो दो चम्मच के हिसाब से लिया है। इसे थोड़ा सा सोते हो देने चाहिए, थोड़ा लाला सा जाने चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची और अखा धना लिया है। और उसके बाद हमें नारियल लेना है, सूखा नारियल रहेगा तो भी चलेगा, गीला रहेगा तो भी चलेगा। और हमने यहाँ पे दो टमाटर ले लिया है, ठीक है। और इसे हमें अच्छे से पकाना है, सोते होने देना है। तो आप इसमें नमक डाल सकते हो, मगर मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला है, विदाउट नमक ही मैंने सोते होने दिया है। थोड़ा टाइम के बाद आप देख लीजिए, एकदम अच्छे से ये सोते हो गया। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिससे वो मॉइस्चर रहेगा उसके अंदर शाइनिंग आने के लिए। और उससे आपको लग रहा है तो दो मिनट और रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही हमारा हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे मिक्सी जार में हमने जो सोते किया और ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसना, नहीं तो आपकी मिक्सी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप कांदा और लहसुन आप यूज़ करते हो तो ये सब चीज़ें पहले ही डाल देना, जहाँ मैंने ये सब सोते कर रही थी। हाँ, और यहाँ मैंने इमली ऐड की ही थी, शायद मैं इसमें आया नहीं वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे इमली भी ऐड की हुई है जब लोग हम सोते कर रहे थे तभी। और हमें यहाँ पे रेगुलर मसाला ऐड करना है, जैसे कि मिर्च है, नमक है। और यहाँ पे हमें मिक्सी में जार में डाल के पीस लेना है। और यहाँ पे महीन पीसने के बाद देख लीजिए, चटनी का रंगत देख से ही समझ जाओगे आप कि कितनी टेस्टी बनी है। तो आपको यहाँ पे कोई नींबू ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑलरेडी खटास है टमाटर की। अगर आपको खटास नहीं लग रही है तब जाके आप नींबू ऐड कीजिए, मगर मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि मैंने इमली थोड़ी ऐड की हुई है, ओके। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तड़का दिया है, यहाँ पे राई का मैंने तड़का दिया है। आप तड़का दे के खा सकते हो या विदाउट तड़का दे के भी खा सकते हो। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है, तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिए डोसा के साथ किसी भी करके। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।